देखिए अभी भी अभी अभी आप लोगों ने ही न्यूज़ में दिया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था 4-5 महीने पहले कि 72 केस बच्चों में फाइलेरिया के पॉजिटिव पाए गए। और इन्हीं इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर ये आया कि यहाँ पर दवाई सबको खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चक्र पिछले 6 साल से चल रहा है, ये 7वां है और अंतिम है चक्र है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फाइलेरिया की जांच कराना बहुत कहना चाहिए महंगा है, क्योंकि इसमें आपको रात में टेस्ट कराना होता है। इसके पैरासाइट रात में खून में आते हैं और जब रात में इसका टेस्ट होता है तभी ये पॉजिटिव आता है। तो इसको जांच कराना ज़्यादा महंगा है और दवाई खा लेना ज़्यादा सरल और सस्ता है। तो इसीलिए अगर हम सब लोग एक साथ फाइलेरिया की दवाई खाएं तो जितने भी पैरासाइट किसी के भी ब्लड में होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे और ये फैलेगा नहीं, और इस तरह से हम फाइलेरिया मुक्त रायपुर बना सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ मलेरिया नहीं है, तो जैसे मलेरिया दूर हो गया वैसे ही फाइलेरिया भी दूर हो जाएगा। फाइलेरिया जब शुरुआत में आता है तो कोई भी साइन सिम्टम नहीं होता, जैसे ना बुखार ना कुछ भी नहीं होता, और वो धीरे 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 अंदर बढ़ता है। और आपने हाथी पाँव जब वो विकराल ले रूप ले लेता है तो हाथी पाँव के रूप में वो सामने आता है। अगर सब लोग दवाई खा लेंगे तो किसी को भी फाइलेरिया होगा ही नहीं। देखिए हमारा प्रचार प्रसार कई दिनों से चल रहा है, पेपर में भी आ रहा है, अभी हम कचरे गाड़ी में भी इसका अनाउंसमेंट कराएंगे, और हमारे सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ANM जो स्कूल में काम कर रहे हैं, फिर इसकी हमने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग ली कलेक्ट्रेट में, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को हमने बताया है। और हमने उद्घाटन भी इसीलिए महापौर जी से कराया ताकि पार्षद यानी जनप्रतिनिधि भी इस पर जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा अभियान सफल होगा। उनके लिए तो ये है कि उनको उनको किस तरह से अपने पैर की या जहाँ बीमारी हुई है उसके उसका देखभाल करना है ये बताया जाता है, क्योंकि एक ये लिम्फेटिक्स जैसे खून की नलियाँ होती हैं वैसे ही हमारे शरीर में लिम्फेटिक्स का चैनल होता है, वो ब्लॉक हो जाता है यानी बंद हो जाता है, और जो बहाव उसका होता है वो रुक जाता है, और वहीं रुके 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 फिर वो हाथी पाँव का रूप ले लेता है। एक बार ब्लॉक हो गया तो बहुत एडवांस रूप में इसकी सर्जरी होती है, जो अभी तो बहुत मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे तो नहीं हो रही है, और कुछ दवाइयाँ अभी एडवांस रूप में आ गई हैं, तो जो छोटे मोटे शुरुआत के केस रहते हैं वो कुछ हद तक के ठीक हो भी जाते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि लोग जागरूक हों और पहले ही दवाई खा लें तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। For more information, log on to www.clips.in.